नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। 4 साल बाद शाहरुख खान एक बार फिर से स्क्रीन पर दस्तक देने वाले हैं। उनकी फिल्म पठान सिनेमाघरों में इसी महीने रिलीज हो रही है। पठान में शाहरुख खान के अपोजिट एक लंबे समय के बाद दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। इस फिल्म से अब तक की कई पोस्टर्स और 2 गाने रिलीज हो चुके हैं। पठान में बॉलीवुड के बादशाह खान का फैंस को बिल्कुल एक अलग अंदाज देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म में जहां जॉन अब्राहम के साथ एक्शन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म पठान अपने पहले गाने बेशरम रंग को लेकर चर्चा में आ गई है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बादशाह खान की किसी फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले भी उनकी कई फिल्मों में बवाल मचाया है। तो चलिए देखते हैं उन पूरी लिस्ट को जिसकी वजह से बवाल मचा है। तो सबसे पहले उनकी मूवी है जीरो। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म साल 2018 में आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। जीरो के एक पोस्टर में शाहरुख खान नोटों का हार और गात्रा पहना हुआ था, जिसे देखकर सिख समुदाय का उन पर गुस्सा फूटा था। लोगों ने उन पर सिख समुदाय का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, शाहरुख खान के बोनो को लेकर किए डायलॉग पर भी काफी बवाल मचा था। लगातार फ्लॉप के बाद शाहरुख खान 4 साल बाद पर्दे पर नजर आए। माई नेम इज खान, शाहरुख खान की फिल्म माई नेम इज खान के टाइटल को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। हालांकि फिल्म के बढ़ते विवाद के बाद भी करण जौहर ने फिल्म का टाइटल चेंज करने से साफ इनकार कर दिया था। इस फिल्म के अलावा माई नेम इज खान की रिलीज से पहले जब किंग खान ने IPL की टीम खरीदी थी, तो उसमें कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी लीग में खेल रहे थे। इस चीज को लेकर शिवसेना ने आपत्ति जताई थी और फिल्म को रिलीज ना करने की धमकी भी दी थी। तो वहीं उनकी एक मूवी है रईस। शाहरुख खान की फिल्म रईस गुजरात के गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के जिंदगी पर आधारित फिल्म है। ये फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई थी। अब्दुल लतीफ के बेटे ने मेकर्स पर आरोप लगाया था कि उनके पिता का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जब उरी अटैक हुआ था, तो उस दौरान पाकिस्तानी कलाकारों के इंडिया में काम करने का विरोध हुआ था। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ माहिरा खान मुख्य भूमिका में थी। तो वहीं शाहरुख खान की एक मूवी और थी डॉन 2। शाहरुख खान की फिल्म डॉन 2 ने थिएटर में धमाल मचा दिया था। इस फिल्म में किंग खान और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था। हालांकि किंग खान की इस फिल्म को भी विवाद का सामना करना पड़ा था, क्योंकि डॉन के निर्माताओं ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा था। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी मुख्य किरदार के स्मोक और ड्रिंक भरपूर मात्रा में करने की वजह से नोटिस भेजा गया था। उनकी तरफ से ये आपत्ति जताई गई थी कि इसका यूथ पर बुरा असर पड़ेगा, या तो इस तरह के दृश्य को हटाया जाए या फिर धुंधला किया जाए। तो वहीं उनकी मूवी थी एक अशोका। शाहरुख खान की फिल्म अशोका साल 2001 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक ऐतिहासिक कहानी थी। फिल्म में बादशाह खान ने अशोका का किरदार निभाया था। ओडिशा के संगठन क्लिंग सेना ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मेकर्स पर स्थानीय लोगों की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। तो एक मूवी शाहरुख खान की ओम शांति ओम। दीपिका पादुकोण ने अपने करियर की शुरुआत इसी फिल्म के साथ की थी। फराह खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्हें शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म में श्रेयस तलपड़े और शाहरुख खान एक सीन में मनोज कुमार की एक्टिंग उतारते हुए नजर आते हैं। इस सीन को लेकर काफी आपत्ति जताई गई। मनोज कुमार ने इस पर सवाल भी उठाए। उन्होंने किंग खान सांप्रदायिक तक बता दिया था। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसके लिए माफी भी मांगी। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।